सब्सक्राइब कीजिए अमीना बुटीक चैनल को और क्लिक कीजिए बेल आइकन पे, ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हेलो फ्रेंड्स, अमीना बुटीक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा हाई नेक गला बनाना। दोस्तों, कई लोग इसे होल्टर नेक भी कहते हैं, लेकिन मैं आपको ये बता दूं, होल्टर नेक बिल्कुल अलग होता है। हाई नेक गला जो मैं आपको बताऊंगा ये हाई नेक कहते हैं। होल्टर नेक की भी वीडियो आएगी, उसे हम कहते हैं होल्टर नेक। तो दोस्तों, ये सीखने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। साथ ही आप हमारे चैनल पर पहले विजिट करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी कटिंग कैसे होती है। जैसे मान लीजिए आपका प्लेन कपड़ा है, अगर ये देखिए, हमने सिर्फ डेमो पीस लिया है आपको सिखाने के लिए, तो ये मैं हटा देता हूँ। ये आप देख पाएंगे, इसमें हमने कटिंग करी है कॉलर वाले की तरह होती है, बिल्कुल सेम। जैसे हम कॉलर वाला काटते हैं, बैक एक इंच उठा के काट लो, सेम आप कटिंग करेंगे। लेकिन यहाँ से आप 4 इंच और यहाँ से आप 4 इंच या 4.5 इंच उठा के रख लेंगे। ये आप बेशक 4 भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये हमने इसमें 4.5 कर रखा है, ठीक है। इसे आप 4 भी कर लें, उससे नीचे कम ना करें। ये आप कर लेंगे, इतना उठा के काटना पड़ेगा प्लेन में आपको इस हिसाब से। तो ये आपका कैसे बनेगा हाई नेक गला, तो मैं आपको इसमें सिखाने वाला हूँ। तो ये आप अपने बैक को हटा दीजिए, ये पहले आप नापेंगे कभी भी, जितना भी आप एक्स्ट्रा काटेंगे। जैसे हमने 4.5 इंच काट रखा है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे आप इस गले को काटें और बनाएं। इसमें सिर्फ 2-4 तरीके की शेप ही दे सकते हैं हम, जैसे गोल गला हो गया, स्वीट हार्ट हो गया, वी नेक हो गया, इस हिसाब की, जो कि इसमें आराम से बैठ जाए। तो मैं आपको बताऊंगा इसमें वी नेक में बनाना। तो दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सीधा निशान लगाएंगे, उसके बाद हम यहाँ से 4.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे, इसे भी हम सीधा करेंगे। दोस्तों, इसका जो ब्रॉड है, हम 3 इंच यहाँ पे निशान लगा रहे हैं, ये सिर्फ गला डीप नापने के लिए, ठीक है। फिर यहाँ से हम नापेंगे इस हिसाब से तिरछा करके, हमारे इस गले का डीप है 7.5 इंच नेक है हमारा, तो हम यहाँ से इसको रखेंगे 8 इंच। ये हमने निशान लगा लिया, यहाँ से हम रखेंगे तकरीबन इसके 3 इंच के बाद, यहाँ पे हम जितना हमारा ब्रॉड है इतना, 3 इंच है तो 3 इंच हमने रख लिया। अब आप ऊपर आ जाएँ, ऊपर आपको रखना है कम से कम 1.25 इंच पर यहाँ पर निशान लगा लें। और अब आपको क्रियाप से कटिंग करना है, ये जो निशान लगा है इस निशान पे ना जाएं, ये निशान सिर्फ और सिर्फ गले डीप के लिए होगा। सबसे पहले आप एक काम कर सकते हैं, इसमें आप इसको ऐसे करके सीधा कर लें, जिससे आपको ब्रॉड लेने में आसानी होगी। उसके बाद आप इसको इस हिसाब से सेव दें। ये आपका इस हिसाब से ये सेव हो जाएगी, ठीक है। अब हम इसे कटिंग करेंगे, तो कटिंग करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले ऊपर सीधा काटेंगे। तो दोस्तों, एक चीज़ का आप ध्यान रखें, जैसे आपका ये 1.25 इंच आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे आप 1.5 इंच कर लो। और इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपने 1.5 इंच करा है। फिर आप यहाँ पे चौक से निशान लगा लें इस हिसाब से 1.5 इंच पे, ये आपका निशान लग गया। अब आप इसे कटिंग करेंगे, ये सिर्फ सेफ होती है, आप यहाँ से हमेशा एक पैर में फालतू वो रखें फर्क। अब आप इसे कटिंग करें, ये आपका गला भी कट चुका है। अब हमें काटना है इसका एक्स्ट्रा, तो हम एक्स्ट्रा कितना काटेंगे, तो जितना आपको एक्स्ट्रा काटना हो आप उतना एक्स्ट्रा यहाँ से काट सकते हैं। हम काटेंगे इसका 1.25 इंच। तो आप चाहे तो निशान लगा सकते हैं पूरे में एक बराबर चौक की मदद से, या आप अंदाजे से काटना हो तो अंदाजे से आप काट लें। दोस्तों, आपको ज़रूरत नहीं कि आपको इतनी चौड़ी ही देनी है पट्टी, आप चाहे तो यहाँ से आप कम भी कर सकते हैं, लेकिन एक चौड़ी देंगे तो अच्छी फिनिशिंग में बन पाएगा गला। अब ये आपका गला कट चुका है, अब हम पेपर पेस्टिंग में इसको बनाते हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रखें, पेपर पेस्टिंग में आप बनाएं तो इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। अब आप इसको कपड़े पर चिपका लें, तो ये चिपकेगा आपका, जिस कलर की कमीज होगी उस कलर के कपड़े पर आप इसे चिपकाएंगे। तो दोस्तों, आप इस हिसाब से काट लें और गोलाई में कटका लगा लें,
और अब ये कैसे बनेगा ये मैं आपको मशीन पे बताता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले आप जो भी ये फालतू कपड़ा है आप इसको इस हिसाब से मोड़ लें। दोस्तों जब ये आपका गला इस हिसाब से बन जाएगा फिर आप इसकी जो पेस्टिंग है इसकी हल्की इधर एक सिलाई चला लें पूरे गले पे एक जैसी। तो दोस्तों ये जो सिलाई लगाई है हमने क्यों लगाई है मैं आपको बताता हूँ बाद में। तो दोस्तों हमने ये जो सिलाई लगाई थी ये सिलाई हमने इसलिए लगाई थी जिससे कि हम हमारी जो ये सेफ है ये सेफ पूरी की पूरी हम दूसरी तरफ देख पाएँ आराम से, क्योंकि हमने ये डोरी वाली पाइपिंग इसमें लगानी घूम करके। और ये डोरी वाली पाइपिंग हम कैसे बनाते हैं इसका लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन में देंगे, आप वहाँ से ये बनाना सीख सकते हैं। तो आप इसको कैसे लगाएंगे, तो आप इस कपड़े को ऐसे रखें और आपने जो ये सिलाई जो थी आपकी आपको इस सिलाई पर डोरी वाली पाइपिंग को इस हिसाब से बाहर रखना होगा। और बाहर रखने के बाद आप डबल बूट से भी लगा सकते हैं, जैसे कि हम अपने डबल बूट से बताते हैं पाइपिंग बनाना, आप उस हिसाब से लगाना स्टार्ट करें। तो आप बूट को बिल्कुल सुई से मिलाने के बाद आप इस पाइपिंग को ऐसे जमाएं और अब इस पर सिलाई लगाना स्टार्ट करें। तो सिलाई के ऊपर सिलाई जो पाइपिंग की जड़ है आपकी सिलाई के ऊपर आनी चाहिए, ठीक है, जिससे कि आप आराम से निकाल सकते हैं। तो अब ये हम जैसे लगा रहे हैं आप बिल्कुल वैसे ही पाइपिंग को लगाएं। तो दोस्तों हमने गला बना लिया, गले में पाइपिंग भी लगा ली। अब हम यहाँ से 1.5 इंच करीब निशान लगाएंगे और यहाँ पे कट लगाएंगे और फिर एक सेंटर में कट लगाएंगे। और उसके बाद हमारा जो गला है हम इसको बराबर से मिलाएंगे और बराबर से मिलाने के बाद हम यहाँ पर भी एक कट लगाएंगे। फिर हम अपने गले की एक सेंटर क्रीज बना लेंगे बराबर करके। दोस्तों जब आप सेंटर क्रीज बना लेंगे फिर आप अपने इस कमीज़ को ऐसे करके खोलें और खोलने के बाद मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। आप इसको सीधे वाले पल्ले पे, ये सीधी कमीज़ है, सीधी हिस्से पे आप गले को ऐसे रखें जैसे आप अपने हर गले को बनाते हैं, और आप पहले क्रीज की सिलाई लगा लें सीधी। तो दोस्तों जब आप ये सेंटर क्रीज की सिलाई लगा लेंगे उसके बाद आप इसको ऐसे ही रखें, और जैसे आप हमेशा गला बनाते हैं वैसे ही आप गले पे बनाएंगे। आप उसके लिए हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखें, जैसे हमारा नीला कपड़ा है और हमने पाइपिंग के कलर का धागा लेना है जिससे कि हमारा दूसरी तरफ धागा दिखेगा, आपको उसी धागे के ऊपर सिलाई लगानी है और जिससे कि आपकी पाइपिंग एकदम बढ़िया करके निकल आएगी। तो आप देखिए हम कैसे लगा रहे हैं सिलाई, बिल्कुल हमारी तरह ही आप सिलाई लगाएं। तो दोस्तों अब हम इसको गले को काटेंगे, थोड़ा थोड़ा फालतू कपड़ा जैसे कि हम अपने हर गले को काटते हैं वैसे इसका कपड़ा भी छांट लें। अब मैं बताता हूँ इसको क्या करना है, अब हम इसे प्रेस से साफ करेंगे। तो दोस्तों जब आप ये पाइपिंग आप इस पर लगा लेंगे, पाइपिंग लगाने का कट लगा लिया, अब कट लगाने का हम इस गले को पलटेंगे। तो गला पलटने के लिए आप इसको देखिए, क्योंकि इसमें प्रेस का काम बहुत ज़रूरी होता है, इस हाई नेक गले में प्रेस का काम बहुत ज़रूरी होता है। आप इसको किसी भी तरीके से सीधा करें और आप इसे प्रेस कर लें।
या पाइपिंग लगाओ या पाइपिंग ना लगाओ, आपको प्रेस ज़रूर करनी पड़ेगी। अगर आप पाइपिंग नहीं भी लगाएंगे तो आपको खाली में भी प्रेस करनी पड़ेगी, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों आपको गला इस हिसाब से प्रेस कर लेना है, आप देख ही पाएंगे। ये देखिए हमारी पाइपिंग है, ये गुम पाइपिंग है, ये हमारी डोरी वाली गुम पाइपिंग इस हिसाब से निकलती है। ये जो तरीका मैंने आपको इसमें बताया है, ये आपका हर गले में आप निकाल सकते हैं, और अगर आप पेपर पेस्टिंग में बनाएंगे तो आपका बहुत ही फिनिशिंग में आप पाइपिंग को निकाल सकते हैं। अब आपको क्या करना है, ये उल्टी साइड है हमारी, तो उल्टी साइड से क्या करेंगे, ये कैंची लेंगे हम, और कैंची लेने के बाद आप देखेंगे जो आपका ये बराबर वाला हिस्सा है आप इस पर इस हिसाब से निशान लगा लें, ठीक है। ये आपको यहाँ पे ऐसे निशान लग गया। अब आप इसको इस हिसाब से छाटेंगे, ये देखिए, और इस हिसाब से हम दूसरी तरफ भी छाट लेंगे। तो दोस्तों जब आप दोनों तरफ इस हिसाब से छाट लेंगे तो ये गला कैसे जमेगा और हाई नेक कैसे बन के आएगा इसको मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों अपने बैक को हम लेंगे और बैक को इस हिसाब से खोलेंगे इसकी कंधी, और जैसे कि हम अपनी हर कंधी को जमाते हैं वैसे हम इसे जमाएंगे, थोड़ा ये अलग होगा हल्का सा। ये हमारी उल्टी साइड है, हम उल्टी साइड में इसको ऐसे रखेंगे, और ऐसे रखने के बाद सबसे पहले आपको क्या काम करना है, आप अपनी कमीज की कंधी जो है इस हिसाब से मिला लें और यहाँ पे सेंटर में एक कट लगा लें। ये आपका बैक में बराबर से हो गया सेंटर में कट, आप इसको खोल लें। अब आप इसको जो लगाएंगे तो ये देखिए बैक हो गया हमारा, ठीक है। बैक के बाद हम ऊपर अपना फ्रंट रखेंगे, कंधी जोड़ते हैं हम फ्रंट जैसे हमेशा वैसे ही कंधी ऐसे लें, और अब इसे सिलाई लगाएंगे हम जितना हम मार्जिन लेते हैं, और इस हिसाब से हम सिलाई लगाते हुए लाएंगे अपनी, इससे हल्की सी एक सूत इधर, ठीक है। ये जो हमने निशान लगाए इसे एक सूत अंदर हमें सिलाई लगानी है आधे इंच के मार्जिन में, ये हमने सिलाई लगाई। अब हम इसे ऐसे घुमाएंगे, और घुमाने के बाद मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले आप इसे घुमाने के बाद हमारा जो ये मार्जिन है ये एक पैर का रहेगा, लेकिन जो ये वाला मार्जिन है हमारा ये आधा इंच का मार्जिन रहेगा। ये जो निशान लगाया हमें इतना मार्जिन में इसे दबाना है। तो सबसे पहले आप इसको ऐसे करके नापेंगे, नापने के बाद आप देखेंगे जहाँ पर ये आपका सेंटर आ रहा है आप एक निशान लगा लें यहाँ पर, और उस जगह पे पहले आप इसे पक्का कर लें। पक्का करने के बाद आप इसे मशीन से उतार लें। तो दोस्तों जो ये आपने यहाँ से उतारा है तो अब हमें क्या करेंगे, ये जो हमने निशान लगा लिया हम अपने इस गले को इस हिसाब से उल्टा ऐसे करके मिलाएंगे, फिर इसे खोलेंगे, ठीक है। खोलने के बाद आप इसको बिल्कुल बराबर से, क्योंकि हमारा एक बराबर गला था, हम बिल्कुल बराबर से इसको ऐसे रखेंगे, और रखने के बाद हम पाइपिंग से पाइपिंग मिलाएंगे, और मिलाने का जो हमारा निशान था उस निशान पे सिलाई लगाएंगे मजबूती से। काटने के बाद हम इसको हल्का सा ऐसे खोल के एक नाखून लगा लेंगे ऐसे करके, ये हमारा ऐसे करके नाखून लग जाएगा, ठीक है। फिर हम इसे दोबारा से यहाँ से शुरू करते हैं। अब जब हम यहाँ पर आ जाएंगे तो उसके बाद आप ऐसे घुमाएं, जो आपने यहाँ पे एक पैर का मार्जिन काटा था आप यहाँ से एक पैर के मार्जिन के हिसाब से चलेंगे, और जो आपकी बैक कंधी है बैक कंधी को आप आधा इंच के मार्जिन से ऐसे करके सीधा जोड़ेंगे। फिर आप इसको ऐसे करके घुमाएं, ये देखिए झोल बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। ये बहुत ही सावधानी से काम करना होता है इधर का, वो बारीक सिलाई हमेशा ध्यान रखें, बारीक सिलाई से ही लगाएं। फिर आप ये सिलाई चलाने के बाद आप इसकी कंधी को जोड़ दें, ये आपकी कंधी जुड़ चुकी है।
अब जो ये आपका है, पहले आप जायज़ा ले लें कि कहीं आपका कपड़ा दबा तो नहीं। अगर नहीं दबा तो आप यहाँ पर एक कट लगा लें इतना, और जो दूसरी तरफ में जहाँ पे हमारा घुमाव है आप एक कट वहाँ पे लगाएंगे। जब ये दो कट आपके ऐसे लग जाएंगे, फिर आप इसको इस हिसाब से जब पलटेंगे, ये देखिए ऐसे करके आप जब पलटेंगे तो बैक साइड में जो भी मार्जिन होगा उसको हम अंदर करेंगे, और अंदर करने के बाद उल्टी सीधी तरफ से सिलाई लगानी है। अब हमें उल्टी तरफ से सिलाई नहीं लगानी, तो सीधी तरफ से जो हम सिलाई लगाएंगे वो हम लगाएंगे बिल्कुल बैक वाले पल्ले पे। तो ये देखिए बैक पल्ले पे आप आ जाएं और बैक पल्ले की जड़ में सिलाई लगाएं। ये आपका हाई नेक बन चुका है। तो दोस्तों हमारा हाई नेक गला बन चुका है, आप देखेंगे हमारा, देखिए इस हिसाब से ये हमारा हाई नेक गला है, ये पूरे में हमारी पाइपिंग है, ठीक है। और आप ये देखें अंदर की तरफ से जो हमारा ये कंधी वाला हिस्सा है, हम कंधी वाला ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा हमारा दिखेगा, बाकी हम सिलाई लगा के बंद कर देंगे। चाहे तो आप यहाँ पर ऊपर सिलाई लगा लें, ठीक है, या फिर आप इसके जड़ में सिलाई लगा लें, ये आपके ऊपर है किस हिसाब से आप लगाते हैं सिलाई। और ये देखिए हमारा गला बनने के बाद कुछ इसी तरीके से दिखेगा। और दूसरा, हम जो ये काटते हैं, हमने प्रेस लगा के अभी आप दिखाया है, तो ये हमारा बिल्कुल कंधे से मिला के दिखाया है, लेकिन ये हमारा थोड़ा इस हिसाब से प्रेस लगती है क्योंकि हम बैक एक इंच उठा के काटते हैं। और दूसरा, ये जब आप गला पहनेंगे तो जिसका हो गया ये ऑटोमेटिक आ जाएगा, देखने में छोटा लगता है लेकिन जब पहनेंगे उसका ओके आएगा। बस एक चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप कॉलर वाला कोई भी गला बनाएंगे आप इसको इस हिसाब से करें और यहाँ से इंची टेप से नापें तो करीब 22 इंच ये आपका आना चाहिए। तो दोस्तों आप कभी भी एक चीज़ का आप ध्यान रखना, आप 22 इंच नाप लोगे तो 22 इंच का मैं एग्जांपल क्यों दे रहा हूँ, आप देखिए हमारा सर है, हम कभी भी नापते हैं तो हम इस हिसाब से गोलाई में लेंगे। और ये नापने का हम देखते हैं कहाँ पर आ गया, ये हमारा आया, हम यहाँ पे देखते हैं तो ये हमारा देखिए 22.5 पे है, 22.5 या 22 हमारा सर होता है, ये इससे बड़ा सर नहीं होता। तो आप इतना अगर बनाएंगे कॉलर वाला, कोई भी कॉलर बनाए आप इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, बनाने के बाद एक बार आप देख लें तो ये अगर आपका 22 होता है तो ये आपका बिल्कुल सर में आराम से आ जाएगा। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।